नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायरल न्यूज़। दोस्तों आपका स्वागत है। आज देश भर के शिक्षकों में कोरोना युद्ध को लगाने की तैयारी, सरकार ने बना ली है पूरी योजना। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जिसमें शिक्षकों को कोरोना से लड़ने के कार्य में लगाया जा सकता है। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2009 कोरोना वायरस इसी समूह का एक वायरस का एक उदाहरण है, जिसका संक्रमण सन 2019 से 20 काल में तेज़ी से उभर कर 2019-20 वुहान कोरोना प्रकोप के रूप में फैलता जा रहा है। हाल ही में WHO ने इसका नाम COVID-19 रखा। देश भर में स्कूलों कॉलेजों को मंत्री समूह ने 15 मई तक बंद रखने की अनुशंसा की है। सरकार की ओर से हालांकि आधिकारिक रूप से इस पर मुहर लगनी बाकी है, लेकिन अगर यह छुट्टी दी जाती है तो स्कूल और कॉलेजों के अध्यापकों को सरकार कोरोना युद्ध में तैनात करने पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार ने इसकी पहल भी कर दी है। उसने सभी जिले के अधिकारियों को कहा है कि वो विभिन्न कार्य में कम हो रहे कर्मियों की सूची बनाएं और शिक्षा विभाग से उनके अनुरूप अध्यापकों की तैनाती के लिए आदेश जारी करने की सलाह दें। एक अधिकारी ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी शिक्षा अधिकारियों को कहा है कि वे अध्यापकों को यह संदेश दे दें कि उन्हें आपात सेवा में बुलाया जा सकता है। अध्यापकों को देश के क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था, निगरानी, अलग इलाकों में सरकारी कार्य सुचारू रूप बनाने के काम के साथ ही सरकारी मदद आवंटन कार्य में लगाया जा सकता है। प्रशिक्षित लोगों की देश में ज़रूरत है। अलग अलग राज्यों की ओर से बिना राशन कार्ड के भी लोगों को राशन देने, कई स्थानों पर भोजन की सुविधा देने, साथ ही अलग जगहों पर रास्तों में फंसे प्रवासी मजदूरों की सूची बनाने के कार्य में लिया जा सकता है। इन कार्यों में सही तरीके से अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित और शिक्षित व्यक्तियों की कमी हो रही है। ऐसे में सरकार अध्यापकों को इस कार्य में लगाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार ने इस अलग इलाके में राशन वितरण जैसे कार्य में अध्यापकों को पर्यवेक्षक के रूप में लगाने का को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।